press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आतिशबाजी हमारे किसी भी जश्न का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके चमकीले रंग और फटने के विभिन्न स्वरूप हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। इस वीडियो में हम आतिशबाजी की कल्पना को आधार मानते हुए पॉजिटिव आयंस की जांच करना सीखेंगे। मान लीजिए आपको किसी ठोस पदार्थ से भरी हुई 6 शीशियां दी गई है, साथ ही आपको ये बताया गया कि वो सभी ठोस पदार्थ आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक से बने हैं। यदि आपको उनके केटायंस या पॉजिटिव आयंस की पहचान बताने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप फ्लेम टेस्ट यानी लौ परीक्षण करेंगे। पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नाइक्रोम का तार साफ कर लें, फिर इसे बुनसन बर्नर की लौ पर रखें। तार की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लौ के साथ तार कोई रंग देना नहीं बंद कर देता। नाइक्रोम के तार को फिर से सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रख के इसके लूप को किसी अज्ञात ठोस में डाल दें। इसके बाद लूप को लो के पास ले जाएं। आप पाएंगे कि प्रत्येक ठोस लो के साथ अलग अलग रंग देता है। ध्यान रहे कि तार को हर एक ठोस के परीक्षण के बाद ठीक से साफ किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हो सकता है कि लो का रंग तीव्र न हो पाए। सोडियम आयन से पीली नारंगी, पोटेशियम आयन से बैंगनी, कैल्शियम आयन से ईंट जैसी लाल, स्ट्रेंशियम आयन से लाल और कॉपर आयन से नीली और बेरियम आयन से हल्के हरे रंग की लौ निकलती है। अगर कॉपर को छोड़ दिया जाए तो सभी ठोस पहले या दूसरे ग्रुप के मेटल आयन्स हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस परीक्षण में सांद्र जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वीडियो रोक कर इस पर विचार करें। इसका सही उत्तर है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के इस्तेमाल से लौ परीक्षण में बना हुआ धातु क्लोराइड आसानी से वेपराइज यानी वाष्पीकृत हो जाता है, जो लौ परीक्षण को आसान बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक ठोस पदार्थ के लौ का रंग अलग अलग क्यों होता है? गर्म होने पे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके हायर लेवल यानी ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षाओं में चला जाता है और जब वो अपनी कक्षा में वापस आता है तो पहले अवशोषित की गई ऊष्मा को लाइट की वेवलेंथ यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के रूप में मुक्त करता है। प्रत्येक ठोस पदार्थ अलग अलग रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकलती है, जिसके कारण हमें अलग अलग रंग की लौ दिखाई देती है। आइए एक बार संक्षेप में देखें, अलग अलग ठोसों से विशेष रंग की लौ निकलने के कारण लौ परीक्षण का इस्तेमाल पॉजिटिव आयन्स की पहचान करने में किया जाता है।